आपका क्वेश्चन है, वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इन टर्म्स ऑफ इज ओरिजिनल रेसिस्टेंस। तो देखो इसने क्या बोला है कि हमारे पास में एक कॉपर वायर है, उसका रेसिस्टेंस इज आर। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर जो हमारा ओरिजिनल है ना, तो हमारे पास में दो चीज है, वन इज ओरिजिनल अनदर इज न्यू वन, तो हम दोनों को लिखते हैं साइड बाय साइड। तो दिस इज योर ओरिजिनल वायर और सेकेंड इज योर न्यू वायर। ठीक है ना, तो अब आप समझो इसने क्या बोला है कि ओरिजिनल वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर आर, और न्यू वायर का नया रेजिस्टेंस क्या होगा वो अब देखते हैं। और उसने देखो कंडीशन क्या बताया है, कंडीशन इज दैट दिस वायर इज पुल्ड सो दैट लेंथ इज डबल्ड। तो रेजिस्टेंस का लेंथ के हिसाब से हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या है, दैट इज आर इज इक्वल टू रो दैट इज रेसिस्टिविटी एल बाई ए, लेंथ अपॉन टाइम एरिया सॉरी। तो अब इसको आप समझो इसने क्या बोला है, सपोज दिस इज योर वायर, ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल वायर है, इसका लेंथ इज दिस एंड एरिया इज दिस। अब इसने देखो क्या बोला है कि इसी वायर को हमने पुल किया, वी हैव नॉट इंक्रीज द लेंथ, हमने क्या किया ओरिजिनल वायर को ही पुल किया। तो जब पुल करेंगे तो ये जो लेंथ है ये इसमें क्या हो जाएगा, डबल, तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये लेंथ एल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2L। एट द सेम टाइम आपका क्या होगा, ये जो एरिया है ये एरिया क्या होगा आपका, इट विल गेट डिक्रीज्ड, है ना, जब हम इसको लंबा करेंगे तो एरिया विल गेट डिक्रीज्ड, तो ये एरिया क्या हो जाएगा ए बाई टू। ना तो ये देखो आपका एरिया हाफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, नए रेसिस्टेंस को वी विल टेक एज आर डैश, तो हमने आर डैश ले लिया, दैट इज इक्वल टू रो लेंथ इज डबल दैट मीन्स 2L बाई एरिया इज हाफ ए बाई टू, है ना। तो ये देखो आउटर टू आउटर मल्टीप्लाई करो, 2L को हम और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, आर डैश इज इक्वल टू रो 2L बाई वन बाई ए बाई टू, है ना। तो आउटर टू आउटर मल्टीप्लाई करो, इनर टू इनर मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या आ रहा है आपका, दिस इज इक्वल टू वी कैन से इट्स रो 4L बाई ए, दैट इज योर न्यू रेजिस्टेंस, है ना। अब कंपेयर करो, यू कैन सी रो आपका चेंज नहीं हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वी हैव बोथ कॉपर वायर है, सेम वायर है ना, हमने कोई मेटल चेंज नहीं किया। नाउ लेंथ बाय एरिया, लेंथ बाय एरिया दैट इज योर आर, रो एल बाय ए इज योर आर। तो अब आपका क्या हो गया, देखो आर डैश इज इक्वल टू 4R, है ना, ये वाली वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दोगे यू विल गेट 4R, दैट मीन्स
आपका जो न्यू रेजिस्टेंस है, जो नया वायर है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया हमारा 4 times ऑफ ओरिजिनल. वी कैन से 4 times इंक्रीज बाय 4 times. ठीक है.